द्रोणाचार्य जी जैसे सदगुरुदेव का पुत्र अश्वत्थामा, 5 बच्चों की उसने हत्या कर दी, वो भी सोए हुए बच्चों की। द्रौपदी ने जब देखा है, पछाड़ खा के गिर पड़ी, पकड़ के अश्वत्थामा को लाया। श्री भीमसेन और अर्जुन ने भगवान कृष्ण का भी मार दे, वहां जाओगे तो फिर कैसे कैसे व्यक्त कर पाओगे द्रौपदी के सामने? बोले नहीं नहीं, उनके सामने मारूंगा, देख द्रौपदी तेरे बच्चों को इसने मारा ना, मैंने इसको दंड दिया। द्रौपदी के सामने जब ही लेकर के आए, बालों से पकड़ के, द्रौपदी कहती छोड़ दो, इसे मत मारना। अरे रे, ये क्या कह रही है, हम तो लेकर के आए, किसी के सामने मारेंगे तो इसे लगेगा कि मेरे 5 बेटों को जिसने मारा उसे दंड मिला। ये द्रौपदी है, कहती है छोड़ दो मत मारो, तू कैसी माँ है, तेरे 5 बच्चे जिसने मारे वो सामने खड़ा है, तू कहती छोड़ दो। बोले मैं माँ हूं ना, इसीलिए कहती हूं कि छोड़ दो, क्योंकि बच्चे मेरे मेरे बच्चे मेरे मेरे सामने गए हैं, बच्चों के मरने का दुख मुझे मालूम है, मैं नहीं चाहती कि आज के बाद संसार में किसी को ऐसा दुख ना मिले, ऐसा दुख मिले मैं नहीं चाहती। आप इनको मार दोगे तो इसकी माँ भी तो वैसे ही रोएगी ना, जैसे मैं रो रही हूं। अब मैं मेरे साथ जो घटना हो गया अब इसको कोई बदल नहीं सकता, मेरे दुख को कोई कैसे दूर कर सकता है, मैं चाहती हूं ऐसा दुख किसी के साथ ना हो, और आप इन्हें मार दोगे तो हमारे तो 5 पति हैं, मैं पतियों का मुंह देख करके जी लूंगी, पर आपके तो गुरु जी भी चले गए, द्रोणाचार्य जी बेटा भी मारा जाएगा, आपकी गुरु माता कैसे जिएगी? दूसरे के दुख को समझे वही भक्त होता है। ये भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपना बहन कहते हैं, भगवान ने नाम दिया है, मेरा नाम कृष्ण, मेरी बहन का नाम कृष्णा, कृष्णा भगवान ने नाम दिया है, भगवान की बहन है तो ठाकुर जैसी उदारता तो कुछ हृदय में आएगी ना, भगवान की परम भक्ता है। कहती है छोड़ दो मत मारो, महाराज पांडवों ने सिर से मणि निकाल ली, अपमानित करके शिविर से निकाल दिया, पर दुष्ट कहां मानने वाला था, ब्रह्मवान का संधान किया है, 5 पांडवों पे चला दिया, भगवान ने रक्षा करी है 5 पांडवों की, ब्रह्मवान को फिर से मोड़ दिया है, कुल में जो शेष बचा हो वह समाप्त हो जाए, उत्तरा की गर्भ की तरफ लपका है, अभिमन्यु का बालक उधर में है, गर्भ में है, दौड़ी है उत्तरा। यह द्वितीय भागवत है प्रथम स्कंध की, 5 पांडव महाबलशाली गदाधारी भीम, गांडीवधारी अर्जुन, ऐसे बलशाली जो इनके ससुर हैं, किसी के चरण में नहीं गई, महाराज किसी की तरफ देखा नहीं, दौड़ती हुई गई है भगवान कृष्ण के चरणों से लिपट गई, हे प्रभु मुझे जो कुछ भी हो जाए मुझे चिंता नहीं, मैं मर जाऊं, इस गर्भ में जो बालक है ना इसकी रक्षा करो प्रभु, इस कुल को यही चलाएगा, यही मात्र से सुना गया है, इसकी रक्षा करो। जब ही ऐसा कहा हमारे ठाकुर झट से छोटे बने, किसी को पता ही नहीं चला जी, और झट से छोटे बने और कहते हैं उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। परीक्षित जी ने गर्भ में दर्शन किया परमात्मा का दिव्य स्वरूप, अंगुष्ठ मात्र ममलम, छोटा सा श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु दिव्य सुंदर छोटे से ठाकुर का दर्शन किया। महाराज हजारों हजार वर्ष की तपस्या के बाद जिस परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं, वह परमात्मा आंखों के सामने, परीक्षित जी का भाग्य तो देखो, दर्शन हुआ, भगवान गदा घुमा घुमा करके चारों तरफ घूम रहे हैं, अब कहां ब्रह्मवान परीक्षित को स्पर्श कर पाता, लौट गए, भगवान ने रक्षा करी है, और तो कोई जान नहीं पाया, कुंती जान गई। बड़े एहसान है गोविंद के, हमारा जीवन ही एहसान है, पूरा संसार जब शत्रु हो गया था तो गोविंद ही तो थे, हर संकट से उबार लेते थे।
हाथ जोड़ करके स्तुति करने लग गई। हे परमात्मा, हे कमलनाभ, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। अरे बुआ जी, अरे मैं आपका भतीजा हूँ, आप मुझे प्रणाम कर रही हो, उल्टी गंगा बहाती हो। अरे नहीं नहीं प्रभु, आप भतीजे हो जो भी, हम आपको स्वीकार करते हैं प्रभु, पर आप परमात्मा हो, आप हमारे सर्वस्व हो प्रभु, आपने हमारी ऐसे संकटों में रक्षा करी है कि हम अपना पिछला जीवन जब भी देखते हैं तो बार बार आपका स्मरण हो आता है, बार बार स्मरण होता है। जब सब संसार ने हमारा साथ छोड़ दिया, कोई हमारा नहीं रहा, तो प्रभु तुम उबारने आए हो उस संकट से, तो हमें एक बात मन में आता है कि जब जब हम संकट में पड़े तो तुम्हारी सन्निधि मिली है, तो प्रभु ऐसा कुछ ना हो जाए हमारे जीवन में कि संकट बना रहे, कि तुम्हारा दर्शन, तुम्हारी सन्निधि भी हमें सदा मिलती रहे, सदा मिलती रहे। प्रभु कृपा करो, हमें विपत्ति देना। विपत्ति क्या मांगती हो बुआ? कोई विपत्ति मांगता है? संसार में तुम्हें मांगना भी नहीं आता। विपदः संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत स्यात् पुनर्भव दर्शनम। ऐसी विपत्ति देना परमात्मा कि जो आपके अलावा कोई उबार न पाए, तुम्हें ही दौड़ना पड़े, तुम्हें ही दौड़ना पड़े, और वह विपत्ति हमारे लिए सुखकर होगी कि उस समय तुम उबारने आओगे तो तुम्हारी इस दिव्य छटा का हम दर्शन कर पाएंगे, हमारी आंखें सफल होगी गोविंद। पुनर्भव दर्शनम, क्योंकि आपके दर्शन से संसार के इस भाव से, इस भाव सागर से मुक्ति मिल जाती है, आपके दर्शन का यह फल है। फिर से बार बार जन्मना मरना नहीं पड़ता गोविंद। तो हमें विपत्ति हो पर ऐसी हो जब आप उबारने आओ, आपकी सन्निधि मिले, आपकी याद आए। नहीं, संसार में एक से एक दुखी लोग हैं, रोते हैं, कलपते हैं, छाती पीटते हैं, पर भगवान नाम मुख से नहीं निकलता। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। संसार में बहुत सारे मिलेंगे महाराज, कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन भी पूरा का पूरा बीत जाता है, पर कभी भगवान नाम मुख से नहीं निकलता। बोले नहीं नहीं विपत्ति देना, पर ऐसी विपत्ति देना जब तुम्हारा ही निरंतर याद आए, तुम्हारी याद आए, और तुम्हारे अलावा कोई उबार ना पाए गोविंद, ऐसी विपत्ति। ये भक्त का दिव्यतम स्वरूप है। भक्त कहता है चाहे कुछ बना के रखे रखो, चाहे जैसे रखो, जिस अवस्था में भी रखो, पर प्रभु अपनी सन्निधि, अपने भक्तों की सन्निधि, अपने नाम की सन्निधि दिए रखना। प्रभु हमारे हृदय में अपने चरणों के प्रति अनुराग दिए रखना, चाहे कुत्ता बना दो, चाहे सुगर बना दो, जो बना दो। श्री रामचरितमानस में जो बाली ने मांगा है महाराज, ठाकुर जी मित्र कहते हैं सुग्रीव को, पर जब बाली ने मांगा है हमारे ठाकुर से, संत बड़े भाव से गाते हैं, अब नाथ करी करुणा बिलोकहु देहु यह बर मांगहु जेहि जोनि जन्महु करम बसता राम पद अनुराग। मुक्ति नहीं चाहिए हमें, मुक्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ बना दो कर्म प्रभाव से, लेकिन जो भी बनाना ना, तो अपने भक्तों के समीप बनाना, जहां रहे वहां कानों में आपका दिव्य नाम आए,
जहां रहें वहां होठों पे आपके नाम आए, चाहे अनचाहे मुख से आपका नाम निकले, जहां रहें वहां हृदय में आपके चरणों के प्रति अनुराग बनाए। अयोध्या में आप सुनते होंगे कथा होती है, जब आरती होता है तो कुत्ता जो है मुख ऊपर करके संघ की तरह ध्वनि निकालता है, जब तक आरती होती रहती है, जो बना दो। पर आपके भक्तों के बीच में रहे प्रभु। वृत्रासुर ने भी ऐसा ही मांगा है, ममोत्तमत् श्लोक जनेषु सख्यम्। संसार के इस 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए प्रभु हमें यदि संग दिलाना ना, उत्तम लोगों का संग दिलाना जो आपको प्रेम करते हैं, आपको प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों का संग दिलाना। कभी भी ऐसे व्यक्ति को हमारे समीप मत आने देना जिसकी आपके चरणों में प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में आपकी भक्ति नहीं है, और जो आपके भक्तों को देख के हर्षित ना होता हो। प्रभु ऐसे लोगों की कभी हमें समीपता मत दिलाना, चाहे जो बना दो, पर हमें भक्तों के साथ रखना, उनकी समीपता देना, निरंतर समीपता देना प्रभु। मम तमस लोक जनेश्वर, यह स्वरूप है निरंतरता, निरंतर प्रभु चाहे दुख दो चाहे जैसे रखो, पर आपका याद आता रहे, आपका स्मरण होता रहे,